Hey everybody, welcome back. आज मैं बना रही हूँ इंडो चाइनीज रेसिपी ड्राई चिली चिकन। मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ इजी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। चिली चिकन बनाने के लिए हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसे अच्छी तरह साफ कर लिया है। इसमें हमने ऐड किया है 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून लेमन जूस एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 1 स्पून मैदा, 1 स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 स्पून ऑयल। ऑयल आप अपने पसंद का ले सकते हैं, जो भी आप यूज करते हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कच्चा अंडा। अंडा अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एंड इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा जिंजर पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए हम आधे घंटे छोड़ेंगे। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप फ्रिज में नॉनवेज नहीं रखते हैं तो इट्स ओके, आप बाहर भी रख सकते हैं। आधे घंटे हमारे हो गए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन को हम गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें हम तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके चिकन के जो पीसेज है उसको डालेंगे। गैस को हमने लो मीडियम फ्लेम पे रखा है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर गैस को रखते हैं तो चिकन हमारा अच्छी तरह पक नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि गैस को मीडियम या लो मीडियम फ्लेम पे रखें एंड देन चिकन को फ्राई करें। चिकन को हम 3 से 4 मिनट वन साइड से पका लेंगे, फिर उसे हम पलट लेंगे। इसे पलट कर भी हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ये देखिए चिकन का कलर आने लगा है। ये अब हमारा रेडी हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया हो, लग रहा है ना देख के अभी से ही यम्मी। अब जो बचे हुए हमारे चिकन है उसे भी हम सेम वे में फ्राई कर लेंगे। ये हमारा चिकन फ्राई हो गया। अब हम पैन में कैप्सिकम, ऑनियन, ग्रीन चिलीज, जिंजर एंड गार्लिक सारी चीज़ों को एक साथ हम पैन में डाल देंगे। आपको अलग 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 डालने की एकदम ज़रूरत नहीं है। जब भी आप चिकन चिली बनाएं सारे चीज़ों को कट करके रखें और एक साथ ऐड कर दें। हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया, और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये लगभग हमारा थोड़ा थोड़ा पक गया है।
अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी ऐड किए, हाफ स्पून। और इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे। हाफ स्पून हमने टोमेटो सॉस डाला, एंड अब इसमें हम चिकन फ्राई जो है उसे हम डाल देंगे और दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, हाफ स्पून। हम ज़्यादा सॉस का यूज इसमें नहीं करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर हम क्या चीज़ का यूज करेंगे। हम इसमें 1 स्पून सेजवान सॉस का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, इसमें कलर एंड फ्लेवर दोनों आएगा। साथ ही साथ आप इस चिकन चिली को रख के आराम से पूरे दिन खा सकते हैं। जनरली जो चाय, स्पेशली जो मतलब प्योर चाइनीज फूड होते हैं उसमें सॉस का ज़्यादा यूज होता है, लेकिन अगर आप गरम नहीं खाते हैं तो बाद में आप खा नहीं पाइएगा क्योंकि उसका टेस्ट उतना नहीं आता। हमने 1 स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें पानी मिक्स कर लिया है और इसे हम चिकन चिली में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा टॉस करते हुए हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। वाह, मेरे को तो अब भी से ही मन कर रहा है कि खाना शुरू कर दूं। ड्राई चिकन चिली हमारा रेडी है। अब इसे हमने एक बोल में निकाल लिया। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक पहुंच सके मेरा रेसिपी सबसे पहले।